आशिकी का गम हम पिए जा रहे हैं, आशिकी का गम हम पिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर हम जिए जा रहे हैं, कितना चोट दिल पे हम सहे जा रहे हैं, कितना चोट दिल पे हम सहे जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर हम जिए जा रहे हैं, आशिकी का गम हम पिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर हम जिए जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JMJ आर्ट्स मस्ती पर। मैं हूं AJ। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नया सवाल लेकर आए हैं जो कि बिहार बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है। तो सवाल है, हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों ये सवाल जो है कि आपका लघुत्तरीय सवाल है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बने रहिए, वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए ही पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए अब हम लोग इस सवाल का एक्सप्लेन को जानते हैं। सवाल है, हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के साधनों का उल्लेख कीजिए। सवाल है, हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के साधनों का उल्लेख कीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल से ही जो है कि आंसर ढूंढेंगे कैसे, तो आइए लिखेंगे इसका क्या। हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख इस प्रकार से है। सबसे पहले देखिए, उल्लेख सवाल में कहता है उल्लेख कीजिए, तो क्या करेंगे कि सवाल से ही आंसर को निकाल के देंगे। हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख इस प्रकार से है, सवाल से ही बना करके यहां तक दे दिए। आगे फिर अब इसका जो है कि आगे लिखेंगे इसका डिफिनेशन। देखिए कैसे, इस डिफिनेशन को लिखने से पहले डायग्राम बना देना है कॉपी पे। देखिए, अगर डायग्राम बना दीजिएगा तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देंगे। कैसे, देखिए, सिंचाई, सिंचाई का मतलब होता है, सिंचाई का क्या मतलब होता है, सिंचाई का मतलब होता है पानी पटवन, पटवन सीधा समझिए, सीधा समझिए पटवन होता है। तो पटवन लोग किस में करते हैं, खेतों में, बगानों में। देखिए ये रहा हमारा खेत, ये कहा क्या रहा, खेत रहा, ठीक, ये हुआ खेत। अब इसको पटाना है, क्या करना है, इस खेत को अब हमको पटाना है, तो क्या करेंगे, पटाने के लिए क्या चाहिए हमको, नहर चाहिए। ये है नहर, ये है नहर, नहर के द्वारा हम लोग पटा सकते हैं। और किसके द्वारा, पहले के जमाने में कुओं के द्वारा पटाया जाता था, ठीक। तो यहाँ एक कुआं बना दीजिए, इस टाइप से एक कुआं का निर्माण कर दीजिए, ठीक, इसमें जल डाल दीजिए। अब देखिए, हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख हम लोग कैसे करते हैं। हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख इस प्रकार से है। अब देखिए, हड़प्पा काल में जो है कि लोग अपना खेतों का सिंचाई करता था नहरों के द्वारा या कुओं के द्वारा। ये दो चीज इस चित्र से तो समझ गए कि हड़प्पा काल में खेत का जो है कि सिंचाई किससे होता था, तो किससे होता था, नहर के द्वारा और कुओं के द्वारा, इतना जाने। अब जो है कि ये दोनों का जो है कि इस दोनों को देख करके, हाँ, नहर को, खेत को और कुआं को देख करके, तीनों को देख करके जो है कि अपना मन में एक भाषा बनाइए, भाषा ऐसा बनाइए जो कि ये इसका परिभाषा हो जाए। जी हाँ, आइए तो इसका उल्लेख हम लोग करेंगे। अब कैसे उल्लेख करेंगे, ये तो खेत रहा, कि खेत में जो है कि पानी यहाँ से जाता था, कुआं से जाता था और नहर से जाता था, कहाँ से, तब ये खेत क्या आता था, पटता था। इस खेत में नहर से पानी आता था, कुआं के द्वारा पानी आता था, तब जो है कि इसमें पटवन होता था। तो इसी चीज़ को जो है कि अब अच्छा तरह से बोल देना है, लिख देना है। जी हाँ, अब हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए, हड़प्पा काल में लोग अपने फसल वाले खेतों का सिंचाई जलाशय और कुओं के द्वारा करते थे, नहरों के द्वारा करते थे, ठीक। देखिए, और कहीं कहीं नहरों के द्वारा भी, और कहीं कहीं नहरों के द्वारा भी सिंचाई करते थे, क्योंकि नहर का प्रमाण
अफगानिस्तान के सोतुधई से प्राप्त हुआ है। तो देखिए हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख इस प्रकार से है, आगे लिखेंगे डायग्राम बना के लिखेंगे क्या कि हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था इस प्रकार से है, फिर लिखेंगे कि हड़प्पा काल में लोग अपने फसल वाले खेतों का सिंचाई जलाशय के द्वारा और कुओं के द्वारा नहरों के द्वारा करते थे, क्योंकि नहरों का प्रमाण जो है कि अफगानिस्तान के सोतुधई नामक स्थान से मिला था। इसलिए ये पता चला कि पहले के समय में यानी हड़प्पा काल में जो है कि सिंचाई व्यवस्था नहर के द्वारा, जलाशय के द्वारा, कुओं के द्वारा, इन सभी साधनों के द्वारा जो है कि हड़प्पा काल में सिंचाई होता था, तब फसल उगता था और लोग उस फसल का जो है कि उपयोग करता था अपना दैनिक जीवन में। इस प्रकार से अगर आप लिख दीजिएगा तो एग्जाम में अगर ऐसा आप लिखिएगा तो एग्जामिनर आपको जो है कि पूरा का पूरा मार्क्स देंगे, एक मार्क्स भी नहीं काटेंगे आपका। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।